तो एज यू कैन सी हम सब कार में हैं। यज्ञ से आए स्मित और ब्रिजन, और यहाँ पे क्या है ब्रिजन हेली में? हाँ, कोई कोई देखना ले भाई, दिखाना फीलिंग टोटल नॉस्टैल्जिया। आज के दिन का आज हनुमान जयंती है एंड हम लोग यहाँ पे एक नियर बाय में एक हनुमान जी का मंदिर ही है जो काफी मतलब फेमस है यू कैन से। तो वहाँ गए थे अर्ली मॉर्निंग, डबोड़ा हनुमान करके है। सो मैंने कुछ फुटेज शूट की है जो आपने अभी यहाँ पे देखी, एंड अभी हम जा रहे हैं KGF मूवी देखने। गाड़ी में मैं ब्रिजन से आए ब्रो और स्मित से आए भाई। एंड कितने बजे का शो है मैं वो दिखाता हूँ, और अभी कितने बजे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। 11:20 का शो है, मॉर्निंग ऑलरेडी पहुंच चुका है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं, लेट हो गया है थोड़ा। बट परंपरा है, हाँ ये परंपरा है, वो क्या था, अनुशासन परंपरा प्रतिष्ठा। प्लान्स है, काफी सारे प्लान्स है, मैं सोच रहा हूँ काफी सारे मतलब पॉडकास्ट के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, एक ट्रिप के बारे में भी सोच रहा हूँ, पर कब होगी मुझे नहीं पता। वो पारितोषिक के साथ बात हो रही है, सो मैंने डिले किया है, मैं वर्चुअल पॉडकास्ट नहीं करना चाहता। आई वांट टू मेक श्योर कि उनसे पर्सनली मैं मिलूँ, पारितोष को मैं पर्सनली मिलूँ। एंड सो मुंबई की अराउंड कुछ ट्रिप होगी, कब होगी वो भी मुझे पता नहीं है, एंड कैसे होगा क्या होगा वो भी पता नहीं, पर व्लॉग करेंगे वहाँ पे और पॉडकास्ट शूट करेंगे एंड देखते हैं वो कैसे होता है। एंड उसके अलावा कोई ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि मैं वर्क में बिजी था तो वर्क खत्म हो गया है अभी, एंड नाउ वी आई हैव सम फ्री टाइम टू एक्सप्लोर अराउंड, तो कहीं पे चलेंगे। सो उसके लिए भी बने रहिए, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड। आगे के ब्लॉग्स आपने नहीं देखे तो गो एंड चेक इट आउट। एंड बाकी मैं बताता हूँ कि KGF कैसा है अभी, हाइप तो काफ़ी है, फर्स्ट शो तो हम नहीं देख पाए बट अभी जा रहे हैं एंड सब मूड काफ़ी अच्छा है, तो एंजॉय करेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था, पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं व्लॉग तभी करूँगा व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी और आई एम फीलिंग लाइक टू व्लॉग, बट अभी सोच रहा हूँ कि टू मेक अ माइंडसेट शिफ्ट कि मैं व्लॉग करूँगा तब मैं अपना बेस्ट वर्जन दिखाऊंगा। सो दिस इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, सो व्हेनेवर आई हिट द रिकॉर्ड बटन आई मेक श्योर कि मैं अपनी बेस्ट साइड आपको दिखाऊं। आई वांट टू इंस्पायर यू गाइस, आई वांट टू मोटिवेट यू गाइस कि लिव योर लाइफ एट योर फुलेस्ट एंड ईच मोमेंट को मैक्स पे जियो। सो बहुत हो गई बात है, अभी चलते हैं सीधा वहां पे, तो मैं बी रोल शूट करता हूं। होप यू गाइस लाइक दैट एज वेल। So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken and shattered, singing along to nothing matters. Stray around. वेलकम बैक अगेन, हम लोग फाइनली मूवी देख के आ गए, अभी बज रहे 2:40, हम लोग गए थे 11:20 के शो में जो अभी खत्म हो रहा है, और रिव्यू देने का मतलब पिक्चर अच्छी थी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि पिक्चर अच्छी नहीं थी, पर रिव्यू देने का मूड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी स्ट्रेच की थी कि मैं और स्मित तो हमें ही पता है कि कैसा सर्वाइव किया। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया था और हम लोग शाम को एक्सरसाइज करने भी गए थे, तो नाश्ता लेके जाना मूवी में, हाँ यस नाश्ता करके जाना बहुत लंबी है, और बीच बीच में सेंटीपॉड इतना मतलब फोर्सफुली डाला है,
और जो स्वैग है मतलब रॉकी का, अगर आपने देखा है केजीएफ 1 तो आपको पता होगा कि जो स्वैग है वही मेन पार्ट है। तो वो लोग, उन लोगों ने वो इतनी बार दिखा दिया कि आपको ऐसा लग जाएगा आप कितनी बार वो सो या दैट्स द सीन। तो बहुत ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। और मैंने इंटरवल में कंट्रोल करके बिकॉज ऑफ द प्राइसेस ऑफ समोसा एंड ऑल मैंने नहीं लिया था, बट इतना स्ट्रेच किया उन लोगों ने कि मुझे इतनी भूख लग गई कि मैं लास्ट के 30 मिनट के लिए समोसा लेने गया, क्योंकि सर्वाइव नहीं होता मुझसे। और स्मित ने अभी तक कुछ नहीं खाया और वो सर्वाइव कर रहा था, उसे ही पता है कैसे कैसे उसने झेला है ये। बट आप समझ ही गए होंगे, और IMDb तो 9.7 है, पर स्ट्रेच मतलब बहुत स्ट्रेच किया है, अदरवाइज इट्स गुड, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। अभी हम फाइनली मैकडी जा रहे हैं, कुछ खाएंगे फाइनली, चिल्ड आउट होंगे और फिर घर जाएंगे। सो या दैट्स द सीन। और मैं यही व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आप आई होप आपको रिव्यू सही से मिला होगा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि पिक्चर में बहुत ज्यादा बता दिया मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। काफी दिन के बाद ये व्लॉग मैंने शूट किया है, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग कि कंटिन्यू करूँ ये शूटिंग, बिकॉज मुझे पता है इतना कुछ नया नहीं है इसमें, बट आई हैव टू पुश माई सेल्फ एज यू गाइज। आप भी करते होंगे, आपको भी फेजेस आते होंगे जब क्रिएटिव ब्लॉक आते होंगे, व्हेन यू डोंट फील टू शूट, डोंट फील टू गो टू जिम, बट यू हैव टू टेक वन लैप एट अ टाइम, एंड और जाना ही पड़ता है तो ये ओवरकम होगा, अदरवाइज मैं भी हम सब की तरह हम सोते ही रह जाएंगे एंड कुछ होगा नहीं। बट या दैट्स द सीन, आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे क्रिएटिव। बाय। बहुत लंबी थी यार, बहुत लंबी। बाय। तो ये मैं लास्ट में डालने वाला हूँ। हम लोग जब अभी मंदिर गए थे तब हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे खांसी आ रही थी और ब्रिजन ने बोला, ब्रिजन क्या बोल रहा था, गले में क्या, गले में कुछ अटक गया है। हाँ तो मैंने कहा गले में अटक गया है, वो सक्सेस है, बाहर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे भी जल्दी है।